जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नायला गायनी सॉल्यूशन के फोरम से। आज हमने जिस टॉपिक के ऊपर बात करनी है वो है कि फ़ीमेल्स के अंदर एग्स क्यों नहीं मैच्योर होते। मेरे बहुत सारे पेशेंट्स इस बात पे मुझे कमेंट्स करके पूछ रहे थे कि हमारे एग प्रॉपरली नहीं बन रहे जिसकी वजह से उनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही। तो आज हमने इस वीडियो में बात करेंगे कि एग्स के प्रॉपरली मैच्योर होना क्यों ज़रूरी है, उनके ना मैच्योर होने की क्या वजूहत हैं, क्या टेस्ट हैं जो किए जा सकते हैं और कौन से सप्लीमेंट्स हैं जो कि इस्तेमाल किए जा सकते हैं। फीमेल की बॉडी में मेंस्ट्रुअल साइकिल में 14th डे के ऊपर जाके एक एग रिलीज़ होता है और अगर वो एग मैच्योर होगा और उसकी क्वालिटी अच्छी होगी तो उसके बाद क्या होता है कि वो एग स्पर्म के साथ मिल जाता है और प्रेगनेंसी हो जाती है। बहुत सारी जो फीमेल्स हमारे पास आती हैं उनमें इनफर्टिलिटी की एक वजह ये होती है कि उनकी एग का फॉलिकल का साइज़ अच्छा नहीं बनता, या अगर उसमें फॉलिकल का साइज़ अच्छा बन गया तो उसके अंदर जो एग होता है वो मैच्योर नहीं होता। अब हम आज जानेंगे कि क्या क्या वजूहात हैं जो कि एग की पुअर क्वालिटी की हो सकती हैं। इसमें सबसे बड़ी वजह है एज। कुछ लोग जो कि जिनकी एज 35 ईयर से ज़्यादा होती है, विद द पैसेज ऑफ टाइम जो एग की क्वालिटी है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होने लग जाती है और जिसकी वजह से क्या होता है कि जो एग होता है वो मैच्योर नहीं होता। जेनेटिकली भी आप मुख्तलिफ फैमिलीज़ होती हैं जिनके अंदर ये देखा गया है कि उनमें अक्सर जो होता है वो फीमेल जो होती हैं वो इनकी इनफर्टिलिटी का मसला होता है उसमें यही होता है कि वो एग की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। यानी कि एक बहन है तो वो भी जो है वो उसने काफ़ी अर्से के बाद कंसीव किया, दूसरी बहन है उसने भी काफ़ी अर्से के बाद, तो वो जेनेटिकली एक चीज़ चलती आ रही होती है एज के बाद। दूसरी चीज़ है जेनेटिक। इसी तरह से एक और चीज़ होती है पॉलीसिस्टिक। अगर आपकी ओवरीज के अंदर सिस्टे बन गई हैं, पॉलीसिस्टिक हो गई हैं, हार्मोन का इम्बैलेंस हो गया है, तो भी जो आपके एग्स होंगे वो मैच्योर नहीं हो पाएंगे और जब वो एग मैच्योर नहीं हो पाएंगे तो वो अंडा फूट नहीं पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो प्रेगनेंसी की तरफ बात नहीं जाएगी। डाइट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। जो लोग बहुत ज़्यादा शुगर का इस्तेमाल करते हैं और जो बहुत ज़्यादा जंक फूड का इस्तेमाल करते हैं, देखा गया है कि उनकी जो एग क्वालिटी होती है वो अच्छी नहीं होती है, जबकि जो न्यूट्रिशन से रिच फूड जिसमें सब्जियां, फल इस्तेमाल करते हैं उनकी एग क्वालिटी जो होती है वो बेहतर होती है। इसी तरह से वेदर का भी इफ़ेक्ट होता है। बहुत ज़्यादा जो जो गर्मी का मौसम होता है उसके अंदर भी अगर आप अपनी डाइट को अच्छा नहीं रखते हैं तो एग क्वालिटी के ऊपर इफ़ेक्ट होता है। तो आज हम बात करेंगे कि क्या वो टेस्ट हैं जो कि आपको ये बता सकते हैं कि आपके एग जो है वो अच्छे नहीं बन रहे। तो ये कुछ वजूहात के बाद हम बात करते हैं टेस्ट। एक हार्मोन होता है जिसको हम कहते हैं FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये वो हार्मोन होता है जो इस बात का जिम्मेदार होता है कि फीमेल में एक अंडा जो है वो 14 डे तक तैयार होता है और 14वें दिन पे वो फट जाता है और इस तरह से आगे प्रेगनेंसी होती है। ये टेस्ट मावारी के तीसरे या चौथे दिन पे करवाया जाता है। ये टेस्ट अगर आप करवाते हैं, FSH के नाम से होता है, और अगर इसका लेवल 10 से कम आता है तो इसका मतलब है कि आपका हार्मोन का लेवल ठीक है। लेकिन अगर यही टेस्ट जो है वो 10 से 14 के दरमियान आता है तो हम कहते हैं कि ये बॉर्डर लाइन है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो छोटे छोटे बहुत सारे फॉलिकल को स्टिमुलेट कर पा रहा है लेकिन एक मैच्योर फॉलिकल नहीं बन रहा। उम्र के साथ साथ ये हार्मोन बढ़ता जाता है। जब मावारी ख़त्म हो जाती है तो ये हार्मोन बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसकी जो रेंज है वो 25 से ऊपर चली जाती है। तो जितनी फीमेल यंग होती हैं उनके अंदर ये जो FSH का लेवल होता है वो 10 से कम होता है। तो आप ये अपना टेस्ट करवा के चेक कर सकते हैं कि मेंसेस के तीसरे दिन के ऊपर आपका FSH का लेवल कितना है और उससे आपका अंदाज़ा हो सकता है। इसी तरह से हम जो फीमेल होती है उसका 12वें या 13वें दिन के ऊपर अल्ट्रासाउंड करके भी ये मालूम कर सकते हैं कि उसकी अंडादानियों के अंदर जो अंडे बन रहे हैं वो मैच्योर हो भी पा रहे हैं या नहीं पा रहे। इसी तरह से एक 21वें दिन के ऊपर प्रोजेस्टेरोन लेवल का टेस्ट होता है जो कि ये बताता है कि जो अंडा बना था वो फूट पाया या नहीं फूट पाया या उसके अंदर सिस्ट बन गई। तो ये जो कुछ बेसलाइन टेस्ट हैं जो गायनेकोलॉजिस्ट अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान करती हैं जिससे कि हमें पता चल सकता है कि आपके एग मैच्योर हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अब हम बात करेंगे कि किस तरह से जो एग की जो मैच्योरिटी है उसको इस मसले को हल किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहली बात लाइफस्टाइल और आपकी डाइट। लाइफस्टाइल के अंदर सेडेंट्री लाइफस्टाइल को हम बहुत ज़्यादा डिस्करेज करते हैं। अपनी डाइट के अंदर आप जो है फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स ऐड करें
और अपनी लाइफस्टाइल के अंदर आप एक्टिविटी को ऐड करें। कोशिश करें कि आप वॉक करें, एक्सरसाइज करें, ताकि आपकी ब्लड सप्लाई जो है वो पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होना शुरू हो और अच्छे से सर्कुलेट होना शुरू हो। इसी तरह से खुराक के अंदर जो है वो चिकनाई और ख़ासकर मीठे और कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल लिमिटेड करें। अगर आप कार्बोहाइड्रेट खाएँ तो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाएँ, मैदा और शक्कर का इस्तेमाल कम से कम करें। इसके बाद हम कुछ बात करते हैं कुछ सप्लीमेंट्स जो कि अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपकी एग क्वालिटी बहुत बेहतर हो जाती है। ये मुख्तलिफ़ शक्लों में भी आते हैं और बाज़ अवक़ात एक इकट्ठे फार्मूले के अंदर भी आते हैं। तो कौन से हैं ये सप्लीमेंट्स? इनमें सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट सप्लीमेंट्स हैं वो CoQ10 के नाम से आता है। आपने डेली बेसिस पे 1000 मिलीग्राम जो है वो CoQ10 इस्तेमाल करना है। ये 200 मिलीग्राम के जो 5 कैप्सूल भी आप दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका 500 का कैप्सूल भी आता है और इसका 1000 का मिलीग्राम का कैप्सूल भी आता है। इसी तरह से फ़िश ऑयल या फ़िश लिवर ऑयल या ओमेगा 3 जो फैटी एसिड होता है उसकी सप्लीमेंटेशन एग की क्वालिटी को बहुत बेहतर कर देती है। इसी तरह एक और जो है वो मॉलिक्यूल होता है जिसको हम कहते हैं मायो इनोसिटोल या डी कायरो इनोसिटोल के नाम से एक मॉलिक्यूल आता है जो कि बॉडी में सेकेंडरी मैसेंजर के तौर पे काम करता है। ये PCOS के मरीज़ों के लिए खासकर बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और ये PCOS को रिवर्ट करने में काम आता है। एक और मॉलिक्यूल होता है एलार्जिनिन। इनकी कमी आमतौर पर उन लोगों के अंदर होती है जो वेजिटेरियन होते हैं, तो इनका भी आपने 1 ग्राम या 1000 मिलीग्राम का जो सप्लीमेंटेशन है आपने खुराक में करनी है। फॉलिक एसिड 400 मिलीग्राम की सप्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपकी जो एग की क्वालिटी है वो बेहतर हो जाए। इसी तरह से अगर आप ओवर एज हैं तो ओवर एज लोगों के अंदर जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होती है, जो मॉलिक्यूल एग को ख़राब कर रहे होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनसे लड़ने के लिए हम VE और VC की सप्लीमेंटेशन कराते हैं। ये सप्लीमेंट अगर आप 3 महीने तक इस्तेमाल करते हैं तो आपके एग्स की क्वालिटी नेचुरली बेहतर होने लग जाती है, क्योंकि जो हम आजकल डाइट पैटर्न फॉलो कर रहे हैं उनके अंदर इन सारी विटामिंस की और मिनरल्स की कमी होती है, जिससे क्या होता है कि हम प्रॉपर तरीके से ले नहीं पा रहे होते और एग की क्वालिटी ख़राब होने लग जाती है। डाइट, एक्सरसाइज और इन सप्लीमेंट्स के अलावा कुछ मेडिसिन्स होती हैं जो कि एग के बनने की जो रफ्तार है उसको भी ज़्यादा कर देती हैं और क्वालिटी को भी बेहतर कर देती हैं। वो गायनेकोलॉजिस्ट के मशवरे के साथ आप इस्तेमाल करें। उनका नाम मैं इस वीडियो के ऊपर इसलिए नहीं बता रही क्योंकि उनके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, और अगर वो मेडिसिन आप बग़ैर डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके लिए जो है वो नुकसान, फ़ायदे के बजाय नुकसानदेह हो सकते हैं, और उनको मॉनिटरिंग के तहत हमने मॉनिटर करना होता है उनकी डोज़ को। तो ये वो सप्लीमेंट्स हैं जिनको अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए जो एग की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आपके ज़हन में एग के बारे में कि मैच्योरिटी या इमैच्योरिटी के बारे में जो भी कोई सवाल हो उसको आपने कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर एक्सप्रेस करना है। मेरी वीडियो को शेयर करना है मैक्सिमम लोगों तक, क्योंकि ये वीडियो उन लोगों के लिए जो डेफ़िनेटली डायरेक्टली डॉक्टर के पास नहीं आ पा रहे, तो हो सकता है इससे आपको जो है वो फ़ायदा हो जाए। और आपने जो कमेंट्स करते हैं उसमें आपको एक नंबर दिया जाता है जो कि मेरी टीम मेंबर का होता है, उनसे आप कांटेक्ट करके अपनी क्वेरीज वो कर सकते हैं ताकि आपके जो है वो जितने भी सवाल हैं उनके मुकम्मल तरीके से जवाब दिए जा सकें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।